जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ गोला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। गोला क्लासेस के द्वारा एनसीईआरटी का आप जानते ही हैं, एक एनसीईआरटी के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें एनसीईआरटी सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें लेक्चर्स आपके समक्ष आ रहे हैं, और वहीं से हमारी एक दूसरी सीरीज भी है जिसमें हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि लगता ये है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं उनको लगता है कि आज हम ग्रेजुएट हो चुके हैं और एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हम कहाँ अटेम्प्ट करेंगे, राइट? ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके समक्ष ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लेके आए हैं, तब आप देखिएगा कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये होते हैं, राइट? और अगर आप इसमें मास्टरी कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी आपका मेंस इजीली क्रैक हो जाएगा, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जैसे क्लास नाइन्थ की जो हमने पॉलिटी है वो हम जो पढ़ रहे हैं उसी से ये प्रश्न है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक पहला प्रश्न आपको देखता है, हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट, कुछ फॉल्स स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन ईच केस एंड री राइट दिस करेक्टली बेस्ड ऑन वट यू हैव रीड इन दिस चैप्टर, ठीक है? यानी कि हमने लोकतंत्र के बारे में जो भी पढ़ा है उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वहां पर कुछ गलतियां हैं वो हमने ढूंढनी है, ठीक है? आइए ढूंढते हैं क्या है। सबसे पहला है, लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी होते हैं, जब वो स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं तो उनको ये बिल्कुल क्लियर होता है कि आगे उनको कैसा देश बनाना है, लोकतांत्रिक बनाना है, और लोकतांत्रिक भी किस तरह का होगा, ठीक है? क्योंकि लोकतंत्र भी अलग अलग तरह का होता है। जैसे आजकल आप देख लीजिए, यूएसए में जो लोकतांत्रिक सरकार है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की है, यूके में है पार्लियामेंट्री फॉर्म की, राइट? और ऊपर से जो आइडियोलॉजीज हैं, जैसे कहीं पर पूंजीवाद होता है, कहीं पर समाजवाद होता है, तो यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी होते हैं, जो फ्रीडम मूवमेंट के जो लीडर्स होते हैं, उनको ये क्लियर होता है। ऐसा नहीं है, क्लियर नहीं होता है, ठीक है? वो लड़ते हैं इसलिए कि आज़ादी उन्हें मिल जाए, क्योंकि जो उनका शोषण कर रहे हैं उनसे वो आज़ादी चाहते हैं। उसके बाद वो ये सोच के करते हैं कि हम बैठ लेंगे, आपस में डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह का हमें हमारा देश बनाना है। इसीलिए आपको दिखता है, भारत का अगर मैं इतिहास पकड़ूं तो भारत में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे ये निर्धारित करने में कि हमारा भारत कैसा होगा, तभी तो हमें संविधान मिला, राइट? तो ये यहां पर जो थोड़ा सा एरर है वो हमें समझना है, जो कि हम समझ चुके हैं, राइट? आगे देखते हैं, इसका हमने देख लिया, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम व्यू ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जितने भी संविधान सभा के सदस्य होते हैं उनका एक ही मत होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम जब संविधान सभा को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भाग तीन है, पार्ट थर्ड है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो मोस्ट डिस्कस्ड मोस्ट डिबेटेबल पार्ट था, यानी कि इतनी बहस हुई थी उसमें। तो बहस, अगर एक ही मत होगा सबका तो बहस कैसे हो जाएगी? कभी कभी बहस, तर्कपूर्ण बहस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो अंत में जो रिजल्ट आता है वो बहुत सही आता है, ठीक है? तो यानी कि ये भी गलत है। तो यानी कि ऐसा नहीं है, आप स्वतंत्र हैं अपना मत रखने के लिए, परंतु मत क्या होना चाहिए? तर्कपूर्ण होना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, जैसे अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया डेट इज भारत। अब ये इंडिया भी नाम मिलता है, भारत भी मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि बहुत से लोग थे जिन्होंने कहा भारत नाम होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा हमें संस्कृति से जुड़े हुए लोग दिखते थे, और एक होते थे इंडिया, क्योंकि वो कहते थे कि भारत को ज्यादातर पूरे विश्व में इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए आपने देखा अनुच्छेद 1 में दोनों शब्दों का नाम रखा, अर्थात दोनों समूहों को इज्जत दी गई। डेट इज वाई आर्टिकल 1 में हमें क्या मिलता है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तीसरा है, अ कंट्री हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी, यानी कि जो देश है, देश के पास अगर संविधान होगा तो वहां डेमोक्रेसी होगी। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी और संविधान, लोकतंत्र और संविधान का बिल्कुल संबंध है, मतलब दोनों एक साथ ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसराइल को देख लीजिए, वर्तमान में मैं इसराइल की बात करूं, इसराइल में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी हमें दिखती है क्योंकि वहां चुनाव होते हैं, परंतु वहां का संविधान अभी भी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री, नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन चाहे वो रिटन हो या अनरिटन हो, जैसे हम संविधान को जब पढ़ते हैं, अगर उसको हम चेंज करने के आधार पर पढ़े, उसमें परिवर्तन करने के आधार पर पढ़े, तो हमें समझ में आता है इसको दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं, ठीक है, पर होते हैं, पर क्या होते हैं, कठिन होते हैं, और अनरिटन में ईजिली अमेंड हो जाता है। अब भारत की बात करें, भारत ने इसका बीच का रास्ता अपनाया है। जब हम आर्टिकल 368 पढ़ते हैं तो आपको दिखेगा वहां पर कुछ प्रावधान, कुछ नियम बहुत आसानी से है,
आसानी से आप चेंज कर सकते हैं संविधान में, परंतु कुछ बहुत जटिल है। ठीक है, तो यहां पर है कि ये भी गलत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी, नहीं कैन बी अमेंडेड, कैन बी अमेंडेड है, राइट। तो अब देखिए, आप में से जो भी जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि ये लक्ष्मीकांत, माफ कीजिएगा, ये एनसीईआरटी है क्लास 9th की, और आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज कितने खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, राइट। एग्री करते हैं तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज वॉज द मोस्ट साइलेंट अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट इन मेकिंग द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। अब देखिए, साउथ अफ्रीका में आप जानते हैं गांधी जी ने भी बहुत प्रयास किया है, तत्पश्चात गांधी जी को भी सफलता मिलती है। ठीक है, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या थी, यहां पर जो प्रॉब्लम थी वो थी कि यहां पर जो जो एक 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 कलर्ड माइनॉरिटी थी और जो ब्लैक मेजोरिटी थी उसके बीच संबंध स्थापित करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में आपके ज्यादातर गोरे थे, क्योंकि आप जानते हैं जो ब्रिटेन था उसने बहुत सारा 70% जो हमारा विश्व था उसको अपनी कॉलोनी बना के रखा हुआ था। तो उसमें अगर अफ्रीका की बात करूं, अफ्रीका के तो काफ़ी देशों को, अफ्रीका जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वहां पर तो जितने भी देश हैं वो ऑलरेडी गरीब थे, तो उनकी स्थिति बहुत खराब थी, तो वहां भी काले गोरे की लड़ाई थी। तो जब हमें इसको एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो वहाँ पर हमें क्या है कि सबसे बड़ी चुनौती है कि कलर्ड माइनॉरिटीज जो है, यानी कि जो अंग्रेज हैं संख्या कम है तो माइनॉरिटी, और जो ब्लैक मेजोरिटी है वहाँ के जो लोकल हैं जो ब्लैक हैं वो मेजोरिटी, उनका तालमेल बनाना सबसे बड़ी चुनौती था। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दिस इज अ प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव। इनमें से कौन सा है जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है। पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट होती है भैया, जैसे अगर मैं बात करूं भारत के हिसाब से करूं तो भारत में आप जानते हैं जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति की पावर की बात बिल्कुल की गई है, अगर आर्टिकल 52 देखते हैं, आर्टिकल 53 इस तरह से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा राष्ट्रपति के बारे में बातें बता रखी है। ठीक है, बहुत सारी पावर, जैसे आर्टिकल 111 जो बात करता है हस्ताक्षर की, राष्ट्रपति की शक्तियों की, तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। हमें बताना है क्या, डज नॉट हैव, गलत बताना है। ठीक है, तो पहला वाला तो है तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता है, एक बार इसको हटा देते हैं। ये सही है तो इसको राइट नहीं मान सकते क्योंकि हमें गलत बताना है। नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द हेड, अरे ये ऐसा कहा होता है, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट कैसे हो जाएगा, क्या संविधान में लिखा है कि जो हमारी वर्तमान की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, क्या उनका नाम होगा, नहीं, नाम नहीं होता है, पद होता है। तो ये हो गया गलत, तो हमारे हिसाब से दिस इज द राइट आंसर, राइट। आगे भी पढ़ लेते हैं, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर वो डिफाइन होती है, पार्लियामेंट के बारे में बिल्कुल बता रखा, आर्टिकल 79, 80, 81 सारा बता रखा है। नेम ऑफ द कंट्री इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 में बता रखा है, राइट। तो यानी कि राइट आंसर क्या है आपका, बी, क्योंकि गलत है, राइट। मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू का नाम आएगा यहाँ पर, क्योंकि 1928 में इन्होंने संविधान बनाया था, चाहे वो लागू कभी नहीं हुआ क्योंकि भारत आजादी नहीं हुआ था। असल में हुआ क्या था, एक चुनौती दी गई थी सचिव के द्वारा, उनका नाम था बर्किनहेड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि पद आप जानते हैं, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वहां से हमें दो नए पद मिलते हैं, एक वाइसरॉय मिलता है, इसलिए हमें दिखता है कि लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बनते हैं, और एक नया पद एक और दिखता है हमें, वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो वहीं से हमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दिखते हैं बर्किनहेड, कौन, बिरकिन, ये बी फॉर बॉय, बिरकिन हेड। तो ये चुनौती दे देते हैं कि इंडियंस के बस की बात नहीं है संविधान बनाना, तो ये चुनौती ले लेते हैं कौन, हमारे मोतीलाल नेहरू जी, और संविधान दिखा देते हैं बनाकर 1928 में। ठीक है, यानी कि वो नियम थे, उसको एक संविधान का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया बी आर अम्बेडकर, ये तो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, राइट। तो ये हो गया आंसर इसका, बी का थर्ड हो गया, यानी कि ए का हो गया आपका फोर, ए का मतलब हो गया आपका ये फोर्थ वाला, यानी कि ये एक सेकंड इसको हटा लेते हैं, ए का हो गया आपका फोर, बी का हो गया आपका थर्ड, बी का हो गया आपका थर्ड। राजेंद्र प्रसाद आप जानते हो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर भी याद रखिएगा कि जब संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को, तो आप जानते ही हैं जो पहले अध्यक्ष बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, मतलब उनको एक जो फ्रेंच की जो प्रथा थी, कन्वेंशन था कि जो सबसे सीनियर है उसको बनाया जाए उम्र में, तो सच्चिदानंद सिन्हा सबसे सीनियर थे तो उनको अध्यक्ष बनाया गया। परंतु जो दो दिन बाद एक निर्वाचन होता है संविधान सभा में, जिसके पश्चात हमें पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन मिलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। और जो सरोजनी नायडू है, अब यहां से आपको मिल गया है आंसर के, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सरोजनी नायडू, ठीक है, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और सरोजनी नायडू वही है जो यूपी की पहली गवर्नर भी बनी है, राइट। आगे देखते हैं, रीड अगेन दी एग्जैक्ट नेहरू स्पीच। अच्छा, नेहरू स्पीच है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। आप जानते हैं जब भारत आज़ाद होने वाला था, तो जिस तारीख को भारत आज़ाद होने वाला था, यानी कि रात को 12 बजे भारत आज़ाद होने
होने वाला था, तो वहीं पर नेहरू ने स्पीच दी थी, और वो स्पीच को कहा जाता है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। अब उसमें कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, तो आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये क्या संबंध है, इनका कहने का क्या मतलब था, नेहरू जी क्या कहना चाह रहे थे। तो आइए देखते हैं इसी स्पीच में, हम देखते हैं व्हाई डिड नेहरू यूज द एक्सप्रेशन नॉट होली और इन फुल मेजर्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि पूरी तरह से या पूर्ण मात्रा में नहीं। मतलब इसमें नेहरू जी कहना चाह रहे थे कि जैसे अब हमारा भारत जो आज़ाद हो रहा है, अब देखिए ये भारत जो राष्ट्र है ये एक दिन में नहीं बनेगा, या हमारा जो जीवन है उसमें भी नहीं बनेगा, ये इसको बनाते रहना पड़ेगा। वो ये कहना चाह रहे थे इसमें, ठीक है, कि आज जब हम लोग हैं इसको पूरी तरह नहीं बना पाएंगे, पूरी तरह ये नहीं बन पाएगा हमारे जीवन काल में, हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं होता है कि हम किसी देश को बना दें, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, वो चाह रहे थे ये कहना कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसमें पूरा योगदान करे, हमारे बनाने से कुछ नहीं होता, हम संविधान बना के दे देंगे, परंतु हम साथ में अनुच्छेद 368 भी देंगे जिसके द्वारा आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यानी कि देश बनाते रहना है आपने, ठीक है। बी वाला गया है, व्हाट प्लेज डिड ही वांट द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक, यानी कि वो क्या 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 प्रतिज्ञा करवाना चाहते थे, ठीक है, जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, जो संविधान सभा में काम कर रहे थे, ठीक। क्योंकि देखिए याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, और भारत का आजाद हो रहा 15 दिसंबर 1947, यानी कि संविधान सभा का कार्य चल रहा था। तो इसीलिए वहां पर वो संविधान सभा के जितने भी लोग थे उनसे कहते हैं तुम्हें कसम खानी है कि तुमने निस्वार्थ होके काम करना है। ऐसा निस्वार्थ मतलब आपने ये नहीं सोचना है, क्योंकि उस समय क्या, आज भी भारत में काफ़ी धर्म है, काफ़ी जातियां हैं, तो जो संविधान सभा में बैठे थे वो भी अलग अलग धर्मों के थे, अलग अलग जातियों के थे। तो इसलिए यहाँ पर भी नेहरू जी कह रहे हैं कि आपने निष्पक्ष होकर काम करना है, ठीक है, ये कसम खाइए। आगे क्या है, द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, ठीक है, हु वॉज ही रेफरिंग, यानी कि ये जो बात वो कह रहे हैं कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से हर आंसू पोंछने की रही है, इसको उन्होंने किसके लिए कहा है। ऑब्वियसली इन्होंने, नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी के लिए बोला है, ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान देनी है, राइट। तो इस तरह के प्रश्न देखिए, अब आप खुद देखिए क्या ये आसान थे, नहीं। अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी है, केवल लक्ष्मीकांत पढ़ा है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, राइट। ये बात मेरी वो बेहतर समझ पाएंगे जिन्होंने NCERT नहीं पढ़ी है, लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तो ये भी टफ है, ठीक है, इसीलिए हम NCERT को भी पढ़ना जरूरी होता है। तो आइए शुरू आपसे बात कर लेते हैं, ये गोयला क्लासेस आपको ये जो कोर्स ऑफर कर रहा है कितने का कर रहा है, मात्र 2999 का फिलहाल, अंडरलाइन करेंगे फिलहाल, क्यों, क्योंकि अभी इसमें 50% डिस्काउंट है, अन्यथा ये कोर्स कितने का है, 5999 का, जो फिलहाल आपको पढ़ रहा है 2999 का। तो देर ना करें, फटाफट इस कोर्स को ले, ये हमारा URL है, यानी कि टेलीग्राम चैनल है उसका ये URL है, इस URL पे आपने क्लिक करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और एग्जाम रिलेवेंट जो भी डेटा है हम यहाँ अपलोड करते हैं जिसे आप अपनी तैयारी में यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये हमारे नंबर हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, 24/7 हम आपकी हेल्प करेंगे। ये हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। ये हमारी वेबसाइट है UPSC का, सिविल सर्विसेज हरियाणा राजस्थान उत्तराखंड, ये देखिए अलग अलग राज्यों के हमारे पास क्या है, सिविल सर्विसेज है। तो आपने क्या करना है, जो भी आप जिस राज्य को बिलोंग करते हैं, UPSC तो आपने भरना ही है, परंतु अपने राज्य का भी भरना है, राइट। तो यहां पर क्या करना है, हमने फॉर्म भरना है और हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर आता है तो कमेंट करिए, चाहे नेगेटिव करिए, पॉजिटिव करिए, पर करिए, राइट। तो यहीं से सेशन एंड करने जा रहा हूं, जय हिंद।